अस्सलामुअलैकुम, सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और आज एक और वीडियो है, और ये वीडियो है स्लीपर सेल जो वंदे भारत में है, विजन जो स्लीपर विजन है वो आ गया है, और उसके रिलेटेड ये वीडियो है। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट कीजिएगा और हमें भी सपोर्ट कीजिएगा। और सुकलैन भाई आ जाएंगे जल्दी। और मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है नदीम इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। मैं हूं धनंजय और आप देख रहे हैं डेली ट्रेवल हैक। दोस्तों, जिसका हम सबको इंतजार था कि ऑफिशियल एक, अभी दो दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था कि वंदे भारत स्लीपर कोच का प्रोटोटाइप आ गया है। और आज अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, रेल मिनिस्टर ने इसको ट्वीट करके बताया है कि वंदे भारत स्लीपर जो कोच होंगे, जो ट्रेन होगी, उसका प्रोटोटाइप फाइनल हो गया है। मतलब उनका जो इंटरनल डिस्कशन होता है, एक प्रोटोटाइप को फाइनल करना, जो लॉक कर डिज़ाइन को लॉक करना, वो फाइनल हो गया है। प्रोटोटाइप क्या होता है ये समझिए, किसी भी चीज़ को बनाने से पहले, कोई मेजर चीज़ अगर बनती है तो उससे पहले उसको 3D में बनाया जाता है। जो इमेज आप देख रहे हैं ये 3D रेंडर्ड है, मतलब इसको 3D सॉफ्टवेयर में बनाया गया है, जो ऐसा कुछ लुक आपका दिखेगा वंदे भारत कोच का। और इसमें क्या क्या व्यवस्था होगी, क्या क्या सुविधाएं होगी, ऑब्वियसली रेट तो ज़्यादा होगा, लेकिन अभी ये 10 स्लीपर ट्रेन को बनाया जाएगा। तो ये बन के जब तैयार हो जाएगा, टारगेट है जनवरी तक ये बन के तैयार हो जाएगा, और मार्च तक उम्मीद है, मार्च से अप्रैल तक पहला स्लीपर वंदे भारत ICF चेन्नई से निकल के बाहर आएगी। अब इस इमेज को देखिए और अंदाज़ा लगाइए, ये क्या कोई 5-स्टार होटल से कम लग रहा है? भारतीय रेल वंदे भारत तो बना ही रही है, जब वंदे भारत स्लीपर जो आ रही है, जब आप उसमें सो के जाओगे तो आपको लग्जरियस वाली फीलिंग आएगी, आपको लगेगा 5-स्टार होटल में ही जा रहे हो। इसके विंडो को देखो, इसके मटेरियल को देखो, इसके LED लाइट को देखो, इसके जो फर्स्ट क्लास कोच के डिजाइन हैं वो भी देखो, कितने रॉयल लग रहे हैं। लग रहा है आप एक होटल, एक कमरे में बंद हो गए हो। नॉर्मल जो थर्ड AC टाइप में होगा, जिसको थर्ड AC कहेंगे, उसके भी आप देखोगे ये काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है। AC सीट, इसका जो बाकी की चीज़ें हैं, ये काफ़ी सुंदर दिख रहा है। जब ये बन के तैयार होगा तो और भी अच्छा दिखेगा। देखो मैं आपको बता दूं, ये अभी जो इमेज आप देख रहे हो, और जब ये बन के तैयार होगा तो थोड़ा माइनर डिफरेंस आ सकता है, मैं आपको कह सकता हूँ 10% का डिफरेंस आ सकता है, लेकिन जो फीलिंग रहेगी वो डिट्टो ऐसी की ऐसी रहेगी। मैं आपको इसके कुछ डिटेल के बारे में बता दूं, इसमें 20 से 22 कोच रहेंगे स्लीपर कोच में, और सीटिंग कैपेसिटी 857 की रहेगी, और 34 जो है वो रेलवे स्टाफ के लिए, जिसमें पेंट्री के स्टाफ हो सकते हैं, TT हो सकते हैं, रेलवे के स्टाफ के लिए सीट रिजर्व रहेंगे, जो उसमें रेलवे के स्टाफ ही जाएंगे। अभी कैसा रहता है, उसी सीट में एक TT का रहता है 7 नंबर सीट, लेकिन बाकी जो स्टाफ रहते हैं वो जैसे तैसे, जैसे आप बेडरोल वालों को ले लो, वो एक साइड में रहता है, वहाँ पे सोते हैं। तो उस तरीके से ही 34 सीटें अलग से रखी जाएगी, रेलवे स्टाफ के लिए रहेगी। और इसका बता दूँ, इसका जो डिज़ाइन है, जैसा कि मैंने बताया, 5-स्टार होटल के तर्ज पर बनाया गया है। इसमें रहने का आनंद, मतलब आप जब जा रहे हो 24 आवर का जर्नी इसमें करोगे, तो आप ये समझोगे आप एक होटल में रह रहे हो और सफ़र का आनंद लेते हुए जा रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। और उसमें बता दूं, इस जो स्लीपर वंदे भारत रहेगी, इसमें कोई कोच पेंट्री कार का नहीं लगेगा, जबकि अभी जैसा वंदे भारत में है कोच वाइज डिवाइड हो जाता है। यात्रियों के लिए फूड की व्यवस्था की जाएगी, उसमें बनाया नहीं जाएगा, मुझे लगता है स्टेशन पर चढ़ा के यात्रियों को सर्व किया जाएगा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, तो वो काफ़ी अच्छा ही। IRCTC ऑब्वियसली IRCTC ही ये करेगी, तो स्टेशन पे, हर एक स्टेशन पे उनका टाइप रहता है, और वहाँ से वो माल लोड करवाएंगे और यात्रियों को सर्व करेंगे, उसके स्टाफ रहेंगे। पेंट्री कार में जैसे अभी खाना बनता है वैसा कुछ मुझे नहीं लगता व्यवस्था होगी, गर्म पानी बाकी की व्यवस्था होगी, सारी चीज़ें रहेगी लेकिन पेंट्री कार का कोई कोच नहीं रहेगा, तो ये भी अच्छी बात है जैसा अभी चल रही है। एक जो मेजर इशू रहता है इंडियन रेलवे में अभी के ट्रेन में, उसमें आप व्हील चेयर लेके नहीं चढ़ सकते हो। सपोज आप व्हील चेयर पे कोई बैठा हुआ है, कोई पेशेंट है, उनको अगर आप चाहते हो व्हील चेयर के साथ में ट्रेन में घुसा दूं, ये सुविधा नहीं है अभी। आप किसी भी ट्रेन, राजधानी, शताब्दी, किसी में ले लीजिए, उसमें वो व्हील चेयर घुसेगा ही नहीं, तो पेशेंट को या तो स्ट्रेचर पे या उनको गोद में लेके अंदर लेके जाते हैं, लेकिन इस वाले में एक स्लाइड टाइप का रहेगा जिसको रखिए, और व्हील चेयर के साथ पेशेंट या जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनको डायरेक्ट कोच तक ले जाने की व्यवस्था रहेगी। इसमें बाकी जो लग्जरियस वाली मैं बता दूं, इसमें मोबाइल चार्जिंग, फुट रेस्ट एक्सटेंशन, कुशन वाली सीट की व्यवस्था की गई है। और ये अब कब से शुरू होगी ये आपको बता दूँ, इसका अभी फ़िलहाल कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं किया गया है,
हम लोग सब उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि अप्रैल के महीने में ये होपफुली पहली वंदे भारत निकल के आ जाएगी बाहर और हम लोग उसमें सफ़र करेंगे और आपको दिखाएंगे वीडियो बना के कि कैसी है पहली स्लीपर वंदे भारत लाइव दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये रेल मिनिस्टर का ये वीडियो देखिए कैसी दिख रही है, कमेंट करके हमको बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा और स्लीपर वंदे भारत आने से आप कितने खुश हैं। ऑब्वियसली कुछ लोग नाराज भी हैं लेकिन ऐसा नहीं है स्लीपर वंदे भारत आने से ट्रेनें बंद हो जाएगी, वो नॉर्मल जो ट्रेनें हैं एक्सप्रेस ट्रेन मेल ट्रेन वो सारी ट्रेनें चलती रहेगी, उसके अलावा ये एक लग्जरियस ट्रेन आ जाएगी और इसमें सफ़र करने का आनंद दोगुना हो जाएगा। कमेंट करके बताइए ये इमेज ये वीडियो जो रेल मिनिस्टर ने शेयर किया है वो आपको कैसा लगा। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर। तो गाइस ये थी वंदे भारत स्लीपर वर्जन। तो स्लीपर जो सेल आ रहे हैं, स्लीपर जो वंदे भारत आ रही है, तो मैं कहता हूं कि ये एक लग्जरियस, वैसे वाकई इसमें कोई शक नहीं लग्जरियस होगी और इंडिया के पास लग्जरियस वैसे पहले भी हैं, लेकिन ये एक वंदे भारत वर्जन में जो है वो लग्जरियस आएगी और लोग जो हैं वो लंबे सफर के लिए जो जब जाएंगे तो सुकून से वो उसमें से जा सकते हैं, सो सकते हैं। बड़ा यार यकीन करें एक होटल फाइव स्टार का मजा नहीं होगा, सफर का मजा दुबाना हो जाता है, जबकि सफर को एंजॉय करके और रिलैक्स मोड में और एक हैप्पी मोड में किया जाए तो सफर का जो करने का मजा है वो दुबाना हो जाता है। थकान जो हमें सफर में होती है वो नहीं होती, हम एक रिलैक्स फील करते हैं और हम उस चीज को उस सफर को एंजॉय करते हैं अगर हमारी डिमांड्स के मुताबिक हो तो। इसमें काफी सारी बेसिक ही जो फैसिलिटीज एक पैसेंजर को चाहिए वो सारी फैसिलिटीज इसमें मौजूद है। वेरी नाइस, बहुत ही जबरदस्त ये प्रोजेक्ट है। मेरे को प्रॉब्लम लग रही है ये ज्यादा लग्जरी है यार, अभी ये लो क्लास लोग जो है ना वो भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो ये महंगा होगा। उन्होंने भी कहा है कि थोड़ी सी महंगी होगी, लेकिन ये है कि उसमें सफर दोगुना जो है वो आराम से भी तो जाएगा ना, ये दूसरी है ना, अगर किसी ने नहीं अफोर्ड कर सकता दूसरी है। बाकी ये बस मेरे ख्याल लीड क्लास के लिए ज्यादा बेहतर रहेगी। बाकी मैं इसमें ये देखता हूँ, मैं एक दो बार लॉन्ग सफर भी गया हूँ अपना, हमारे इधर से मुल्तान तक गया था तो 8-9 घंटे का सफर बनता है, तो बस में मैं बहुत मुश्किल में गया हूँ तो मैं अभी बहुत अवॉइड करता हूँ लंबे सफर के लिए, मजा नहीं आता, आदमी बैठ बैठ के थक जाता है तो वो एक ना उसकी थकावट बहुत ज्यादा हो जाती है, वो बंदा घर आ जाता है वापसी होके ना तो भी आदमी की वो थकावट नहीं उतरती है। तो ये अगर ऐसा हो तो ये अगर नॉर्मल प्राइस पे हो कि लो क्लास लोग भी इस पे बैठ सकें जा सकें, क्योंकि ये जरूरी है लॉन्ग सफर, इंडिया में तो बहुत बड़ा इंडिया है तो दूर दूर तक भी लोगों को जाना पड़ता है, तो अगर ये इसमें अगर कुछ कमी वाला ये मतलब थोड़ा लो क्लास वाली भी ट्रेनें बने ना कि थोड़ा गरीब आदमी भी उस पर सफर कर सके तो फिर बेहतर रहेगा। अगर लीड क्लास ही सफर करेंगे तो फिर वो भी ठीक है, पर कुछ ऐसा थोड़ा लो क्लास के लिए भी मेरा ख्याल होना चाहिए। एक दफा जब कंटिन्यू हो जाएगा ना ये लॉन्च हो जाएगी तो उसके बाद इस बात पर भी कुछ लाए अमल लाने की कोशिश किया जाएगा कि आम लोगों के लिए भी कुछ इस तरह की चीजों को बेहतर किया जाएगा, जरूर लाया जाएगा। वही मैं देखता हूँ कि इंडिया में ट्रेनों का जो है ना वो बहुत हाई लेवल पर मतलब पैसा बहुत इनको इनसे कमा लेते हैं, तो वो मेरे ख्याल है हर एक सहूलत लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें भी उम्मीद है कि कुछ होगा कुछ ना कुछ ऐसा बेहतरी के लिए कि वो लो क्लास लोग भी इस पे मेरे ख्याल सफर कर पाएंगे, होगा कुछ ना कुछ इसके लिए। वंदे भारत जो दूसरी है वो लो क्लास के लिए है, उसका किराया भी कम ही होगा और ये चीज होती है कि ये चीज डेवलपमेंट कंट्रीज की होती है। स्लीपर सेल जिन्होंने दूर लंबे सफर पे जाना होता है स्लीपिंग करके जाना होता है वो उनके लिए जो है वो ये बहुत अच्छी चीज है, वो चाहे लीड क्लास के लिए हो चाहे टूरिस्ट के लिए हो, ये बड़ी अच्छी चीज होती है। अपने मुल्क में चीज है, टूरिस्ट आएंगे उसमें सफर करेंगे और कहेंगे वाह जी क्या इंडिया तरक्की कर रहा है। जरूरी नहीं होता कि हर चीज जो है वो वहां के लो क्लास के लोगों को ही देख के की जाती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो टूरिस्ट के लिए भी की जाती है, कुछ अपर क्लास के लिए भी की जाती है, और क्योंकि उनके लिए उनको भी जरूरी होती है चीजें, और थोड़ा सा किराया थोड़ा जो अगर जो अफोर्ड कर सकेगा वो इसमें जाएगा, जो नहीं कर सकता उनके लिए दूसरी ट्रेनें सारी मौजूद हैं और इसमें कोई शक नहीं है। और बाकी लग्जरी ट्रेन दूसरी भी हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा जो है वो उनकी प्राइस है, उस पर भी हमने रिएक्शन दिया हुआ है। इंडिया के पास बहुत सारी ट्रेनें हैं और बहुत सारी लग्जरी ट्रेनें भी हैं लेकिन पाकिस्तान, वही चीज मैं कंपेरिजन नहीं कर रहा, सिर्फ इतना बताता हूँ कि पाकिस्तान को भी चाहिए कि कम से कम दूसरी ट्रेनें का इंतजाम ही ठीक कर लें, बेशक ना लग्जरियस लेके आए लेकिन दूसरी ट्रेनों का जो है इंतजाम ठीक होना चाहिए, लेकिन वहां पे दूसरी लग्जरियस ट्रेन। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हसारे में अभी रेलवे जा रहे हैं, सारे जा रहे हैं, लेकिन रेलवे जो है वो सीआईए उससे भी ज्यादा है, और उसके अलावा जो है वो वहां पे बुलेट ट्रेन चलनी है 2026 तक। यकीन करें वो अपने रेलवे को जो सिस्टम है ना इंडिया
ज्यादा बहुत ज्यादा वसी पैमाने तक जो है वो उसको बढ़ा रहा है और उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहा है और ये एक कदम है उसमें। और कुछ लोगों को हो सकता है ना ठीक लगे क्योंकि किराया ज्यादा है, कुछ नहीं जाना चाहेंगे जा पाएंगे, लेकिन मुल्क के लिए ये बेहतरीन चीज है। और बाकी ये है कि इन्होंने डिटेल अच्छी दी है और अभी तो 3D वर्जन सिर्फ आया है, 3D में इन्होंने दिखाया है, लेकिन वो 10% 20% का फर्क पड़ जाता है, वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन वो डिजाइन वगैरह सारा कुछ ऐसा ही होगा और ऐसे ही कंफर्टेबल होगा और यकीन करें लोग इंजॉय करेंगे। मेरे जैसे लोग जो है ना वो चले ही जाएंगे, जो मिडिल क्लास है वो तो लाजमी जा सकते हैं और वो सुकून से जाएंगे, और जो दूर का सफर करते हैं ना वो जरूर जाना, वो तो जरूर उसी को प्रेफर करेंगे ना, दूसरी में तो थकावट ही बहुत होगी बैठ बैठ के, लंबा सफर तो मुश्किल है। बाकी ये है कि वीडियो ठीक थी और बस इसमें इतना काफी है, बाकी वीडियो ठीक थी। और हमारे दूसरे चैनल पे भी जाएं, वहां पे अपनी वीडियो आ रही है, दो रोज की वीडियो आती है वहां पे, और लाजमी वहां पे भी सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को, और लाजमी जाएं जी देसी रिएक्शन 2.0 के नाम से है और नीचे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे और मुझे लगता है फनी वीडियो हमें बंद कर नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो कोई देखना नहीं चाहता और हम इधर ही बढ़ा लेते हैं अपना काम फिर, और सीधी बात है जब आप लोग देखनी नहीं है तो हम क्यों हमें फजूल में बनाते रहे वहाँ पे भी, और जो वहाँ पे बनाते हैं वो इसी चैनल पे जो है वो दूसरी सियासी बनाते रहेंगे, तो वो हमने शुरू किया था कि काफ़ी लोग जो थे हमारे साथ पहले से अटैच थे और वो चाहते थे कि फनी वीडियो, तो अभी हमने शुरू किया लेकिन कोई भी नहीं उधर आता, सब्सक्राइब नहीं कर रहा, तो लाजमी सब्सक्राइब करें जी, और ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, इनको भी सपोर्ट करें और इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं, अपना ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखेगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पीस।